वही करूंगी। सबसे पहले मैं बहुत ही ऊपर में है आया है और एक परचेस मैंने किया है अपना, बस चीजों का जरूरत है। ये हमारा छोटा सा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आप लोगों का प्यारी सुमिया और लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बेडरूम को लो बजट में थोड़ा सा नया लुक देना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं नॉमिनल चीजों से अपना बेडरूम का लुक चेंज करती हूँ। और सच मानिए, वीडियो को एकदम एंड तक देखिए, देखिएगा कि छोटे छोटे चीजों में कैसे बेडरूम का लुक डिपेंड करते हैं। अभी देखिए मेरा विंडो का पर्दा जो है वो मैंने धो के रख दिया है, तो कैसे खाली खाली दिख रहे हैं ना। ये देखिए अभी बेड का हालत, मैंने सुबह से बेड को ठीक नहीं किया है। ये एक बेडशीट है जिसके ऊपर बहुत तरीके का पिलो कवर लगाया हुआ, पिलोस रखा हुआ है, तो दिखने में कितना गंदा लग रहा है। अभी मैं ये सब कुछ चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट थिंग जो होता है, सबसे पहले जिस जगह को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो उसको एकदम खाली कर दो। तो मैं अभी वही करूंगी, सबसे पहले बेड में जितना भी पिलोज है खाली कर लूंगी। क्विटोनेट जो जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ये एक फोल्डेड और टेंट मस्कुइटो नेट है जो बहुत ही इजी रहते हैं यूज करने में और फोल्ड करके रखने में। देखिए अभी बेड को एकदम पूरा खाली कर लिया है। यह है एसी का रिमोट, इसको भी अपने जगह पे मैं रख दूंगी। इससे पहले विंडो का जो पर्दा मैंने बस करके रख दिया था उसको लेके आऊंगी। ये पर्दे को वॉश करके सुखा कर मैंने रख लिया था, अभी इसी को सेट करने वाली हूँ। आज संडे है और संडे बच्चे लोग फ्री रहते हैं, तो इस टाइम पे वो बहुत जोर शोर से साउंड देके टीवी देखते हैं, तो वो लोग वही कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ अपना काम। ये पर्दा है दरवाजे का, तो इसको मैं अभी उधर रख देती हूँ। अगर एक्चुअल में आपका बेडरूम अगर छोटा है तो आपको यूज करना चाहिए एकदम लाइट कलर का पर्दा, लेकिन ये पर्दा खरीदने के टाइम मैंने ये गलती कर दिया था कि ये एक डार्क कलर में मैंने लिया था, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा सा लाइट कलर मिक्स्ड है तो ये अच्छा ही लगता है, उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लोग नया खरीदने वाले हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि आप लाइट कलर का पर्दा खरीदो। पहले मैं इस रॉड को खोल लूंगी। ये मैंने फोल्ड कर लिया पर्दा को, अभी रॉड पे लगा लूंगी एक पर्दा। और आज तो जैसे सूरज हमारे ऊपर मेहरबान हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, ज्यादा है। ये देखिए पर्दे को मैंने फोल्ड करके सेट कर लिया है, अभी इसको फिक्स कर दूंगी विंडो पर। तो ये फिक्स हो गया है, अभी पर्दे को हटा देती हूँ। देखिए पूरा विंडो का लुक एकदम चेंज हो गया है। अभी नेक्स्ट विंडो को भी मैं सेम प्रोसेस से सेट कर लूंगी और उसके बाद क्या करूंगी वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए। तो ये विंडो जो है ये बहुत ही छोटा है, इसके लिए एक पर्दा इनफ रहता, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया है ना, एकदम सेट पे खरीदा है। इस विंडो के लिए दो पर्दे का एक सेट और इस विंडो के लिए भी दो पर्दे का एक सेट, ताकि जब भी कोई हम और घर में जाए तो वहां पर अगर विंडो बड़ा होगा तो उसमें सेट करने के लिए इजी रहेगा, तब मुझे उसका मैचिंग ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें बहुत स्पेस काम है।
दूसरा विंडो भी सेट हो गया है। अभी देखिए दो विंडो देखने से ही लग रहा है कि मेरा बेडरूम का लुक बहुत हद तक चेंज हो गया है। जैसे मैंने बताया पर्दे के मामले में, वैसे ही बेडशीट के मामले में भी एक ही चीज आप लोग दिमाग में रखना, अगर आप लोगों का बेडरूम छोटा है तो आप लोग जरूर व्हाइट, ऑफ व्हाइट या फिर लाइट कलर का कोई बेडशीट चूज कीजिएगा तो आपका रूम बहुत ही बड़ा खिला खिला दिखेगा। तो ये बेड के लिए मैंने चूज किया है एक व्हाइट कलर का बेडशीट, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे दे दिया है, आप लोग अगर चाहो तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो कि समर फ्रेंडली बेडशीट कलेक्शन के लिए मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखती हूँ। बेडशीट और पिलोज भी सेट हो गया है। मैंने जो तीन चीजों के ऊपर ध्यान दिया था बेडरूम को चेंज करने के लिए, उसका दो मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। तो थर्ड वन क्या है, ये मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट है जहां पर बहुत सारा चेंजेस तो मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर दीवारों पे कलर का चेंज करूँ ये भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए ये बहुत ही रिजनेबल एंड बहुत ही इजी लग जाने वाला एक स्टिकर है जो घर का लुक को एकदम चेंज कर देता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और मुझे ये बहुत पसंद है, ये घर का लुक को एकदम चेंज कर दिया है। ये वॉल पहले एकदम व्हाइट था जैसे ऊपर में है, बाद में मैंने इसको सेट किया, इस कलर का किया, तो अभी देखिए बेडरूम का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो दोस्तों जब मैं स्टिकर का बात कर रही थी तब तो ये मुझे आप लोग के साथ शेयर करना ही पड़ेगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से 3-4 स्टिकर अभी तक ऑर्डर किया था, उनमें से तीन तो एक ही तरीके का है जिसका क्वालिटी भी एक है और मेजरमेंट भी एक है, लेकिन एक है बिल्कुल अलग, तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। ऑलरेडी यूज किया है तो कहाँ पर यूज किया है वो नेक्स्ट डे दिखाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये ना एक मार्बल फिनिश्ड पेपर है, ये किचन में यूज करना या फिर किसी भी फर्नीचर में यूज करना बहुत ही यूजफुल रहता है, क्योंकि ये ना फायर प्रूफ है, इससे आग नहीं लगते हैं और इसमें जितना भी चिकनाई या फिर गंदा हो बस थोड़ा सा एक कपड़ा से मोह पोछ दो ना तो ये एकदम क्लीन हो जाता है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। और आप लोगों को तो पता है कि मुझे व्हाइट कलर कितना पसंद है, इसीलिए मैंने ये व्हाइट सेट पे खरीदा था और ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहा है सच। और अभी अभी मेरे हाथ में आया है और एक परचेस मैंने किया है, अभी अभी मेरे हाथ में आया है, देखिए अभी पैकेटिंग भी अच्छे से खोला नहीं है तो इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए ये है और एक पेपर वॉलपेपर जिसको मैंने परचेस किया है। क्यों परचेस किया है ये तो बाद में आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, लेकिन बता दूं इसका मेजरमेंट थोड़ा सा अलग है, ये 500x45 का है और ये सब जो था ना ये 300x40 का था। तो और इसका प्रिंट और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है इसीलिए मैंने परचेस किया है, और जब मैंने खोली तो मैं तो खुश हो गई एकदम, मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही मिला है। दोस्तों देखिए छोटा छोटा चीजों से अपने जिंदगी कैसे चेंज हो पाते हैं। और बेडरूम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों से कि बेडरूम पे या फिर किसी भी जगह पे आपको जितना फर्नीचर या फिर जितना चीजों का जरूरत है बस वही चीजें आप लोग रखिए तो वो जगह दिखने में बहुत सुंदर बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा बहुत सारा चीज एक जगह में रख दोगे गंदा दिखने लगते हैं, इसीलिए मैं अपने बेडरूम पे जितना बस चीजों का जरूरत है उतना ही रखती हूं। दोस्तों आज मैंने अपना बेडरूम होम में सेट कर लिया है, आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे बजट में अपना बेडरूम को सेट कर सकते हो, बहुत सुंदर लुक आता है। और देखिए ये तो गुलाब का सीजन नहीं है, एक्चुअल में विंटर सीजन में गुलाब ज़्यादा आते हैं पेड़ पे, लेकिन ये हमारा छोटा सा 4 गुलाब आए हैं ये पेड़ में। तो
तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है समाप्ति SAMAPTA7354। और अगर आप चाहो तो मेरे मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो, मेरे चैनल में ऑलरेडी वो अवेलेबल है। आज के लिए विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा दोस्तों।